तमिलनाडु में बेमौसम बारिश से अब तक 14 लोगों की मौत, जलमग्न हुई चेन्नई की सड़कें। 1947 की आजादी भीख थी, कंगना के बयान पर भड़के वरुण गांधी, पूछा इसे पागलपन कहूं या देशद्रोह। कुर्सीद ने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किल, हिंदुत्व को बताया आईएस जैसा, पुलिस में शिकायत। छठ पर दर्दनाक हादसा, असम में ऑटो को ट्रक ने मारी टक्कर, दुर्घटना में 9 श्रद्धालुओं की मौत। विपक्ष पर फूटा कोवैक्सीन निर्माता का गुस्सा, कहा गलत प्रचार के चलते ही देरी से मिली WHO की मंजूरी। अगले 3 दिनों में दिल्ली वालों को जहरीली हवा से मिल सकती है राहत, AQI में हुआ 32 अंकों का सुधार। हाईकोर्ट बेंच को लेकर आज भी हड़ताल कर रहे हैं वकील, सीएम योगी आदित्यनाथ का करेंगे घेराव। जिन्ना वाले बयान पर अड़े राज पर बंटवारे के लिए अब RSS को ठहराया जिम्मेदार। मेरठ में सीएम योगी की सुरक्षा में लगे 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, जोन और सेक्टर में बांटी गई व्यवस्था। यूपी की कानून व्यवस्था पर फिर भड़के अखिलेश, बोले भाजपा सरकार में पुलिस हिरासत में हुई सबसे ज्यादा मौतें। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न हुई छठ पूजा, व्रतियों ने की भगवान भास्कर की उपासना। बागमती नदी में डूबा युवक, मौत के बाद नाराज भीड़ ने मचाया तांडव, तोड़फोड़ के बाद गाड़ियों में लगाई आग। मुजफ्फरनगर सिटी SP के बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत, पोखर में गिरी कार। भूमि विवाद में मारपीट में फायरिंग, गोली लगने से बुजुर्ग की मौत। छठे चरण की मतगणना कल, प्रशासनिक तैयारियां पूरी, बड़ी संख्या में तैनात है पुलिसकर्मी। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में सुबह शाम कोहरा थामेगा रफ्तार, हरिद्वार सहित कई जिलों में असर। कांग्रेस में बाहरियों को टिकट पर विरोध की सुर बुलंद, दून सहित कई शहरों में नेताओं ने जताई आपत्ति। चाईबासा में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दफनाया, 4 गिरफ्तार। शासन ने गठित की 2 सदस्यीय कमेटी, जस्टिस सतीश अग्निहोत्री को बनाया अध्यक्ष, 6 माह में करेगी जांच। मध्य प्रदेश में चुनाव पर भाजपा कांग्रेस आए आमने सामने, कमलनाथ और मुख्यमंत्री चौहान में जुबानी जंग। अफगानिस्तान डोभाल की मीटिंग के अगले ही दिन पाक में हुई बैठक, चीन के साथ अमेरिका भी पहुंचा। यूरोप में फिर कहर मचा रहा है कोरोना, जर्मनी में मिले 50,000 नए केस। अंकिता लोखंडे से पहले 7 फेरे लेंगे जिगरी या श्रद्धा आर्या, 4 दिन बाद उठेगी डोली। एक्स हस्बैंड की खिल्ली उड़ते ही खोला रिद्धि डोगरा का खून, विशाल कोटियान पर निकाला गुस्सा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 सेमीफाइनल से पहले पाकिस्तान टीम को मिली गुड न्यूज, शोएब मलिक और मोहम्मद रिजवान हुए फिट।